Который поет после того, где я сам перец в мире. Только пристанаю бы, और आपको उसे आज मैंने कहा थोड़ा सा नियामत की याद दिला दे, हमारी मंजिल आपको देखना। इस वीडियो का मकसद है कि ये जो है ना, ये कब्रिस्तान, इसके लिए हमने आगे जो है कमाल अच्छे करने, इसके लिए हमने तैयारी करनी, ये हमारी मंजिल। असल में ना ये दुनिया तो ख्वाब है ना, ये हकीकत ही है, ये जो कब्रिस्तान है ना ये हकीकत है। इसके लिए हमने अच्छे अमाल करना, इसके लिए आप जितना हो सके उतना करना। ये जिंदगी जो हमें मिली ये एक तोहफे के शक्ल में मिली, ये जिंदगी जो है ना इसमें आप शुक्र गुजार हैं। ये लोग जो है ना ये तो चले गए दुनिया से, इनके अमाल की किताब चैप्टर खत्म बंद हो चुकी है। अब हमारी जो चैप्टर है ना वो खुली हुई है, वो चल रही है। हम जितना भी देखो अभी हमने जो पिछली जिंदगी गुजारी है उसमें तो हम पशमानंद होंगे, जितना भी वो गुनाह तकब्बुर जिस तरह भी गुजरी हो, लेकिन ये जो जिंदगी है ना इसमें हमने अमाल करना है। तो इसके लिए जो है ना हम ये आए हुए हैं। और आप लोगों को हजरत अली और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह जब कब्रिस्तान जाते थे तो उनकी ये दाढ़ी जो थी ना, दाढ़ी ये आंसू से तर हो जाती। उनसे पूछते थे कि आप क्यों रो रहे हो, कोई किसी ने पूछा, आपने फरमाया कि ये जो है ना ये कब्रिस्तान जो है ये हमारी ये अहराब की पहली मंजिल है, और इसके लिए हमने तैयारी कर, जिसकी ये सीढ़ी ये मंजिल से उसके पिछले सारे मंजिल जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे, वो अच्छे के अच्छे होंगे। जिसकी ये मंजिल सही हो, जिसकी ये बदतर हो गई उसके पिछले सारे जो आगे मंजिल आ रहे हैं वो सारे खराब होंगे। तो इसके लिए हम तैयारी करें। और ये जो कब्रिस्तान है ना इसमें हदीस शरीफ का मफहूम है कि आप पहले तो आप सरसर ने बैन करवाया था कब्रिस्तान जाना, लेकिन हदीस शरीफ का मफहूम है कि आप सरसर ने कहा कि आप कब्रिस्तान जाएगा, आप मैंने आपको कब्रिस्तान यानी जाने से आपको यानी मना नहीं फरमाया, आप जा सकते हो कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान आप जाओगे तो आपको कयामत के आप ये सोचोगे कि मौत भी है, और इस हकीकत की जिंदगी में हमने जाना है, मौत भी है और इसके बाद अहराब ने भी आना है। तो वो आपको अहराब भी याद आ जाएगी और मौत भी, कि मौत ने भी आना है और अहराब भी है, ये जिंदगी है, अगली जिंदगी है। इसके लिए हमने तैयारी जितनी तैयारी हो सके उतना कर लें, उतना ही कम है। तो मेरे दोस्तों आज ये इस वीडियो का ये मतलब था कि आप लोगों को ये याद दिलाना, रिमाइंड कराना कि हमारी जिंदगी जो है ना बहुत मुख्तसर है और हमने यहाँ से जाना है। तो अगर इन कब्रों को आप देखोगे, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में ना एक दफ़ा आप कब्र कब्रिस्तान जाएगा, आप ये हकीकत खुल जाएगी, आप जो है ना आप यानी सोचोगे कि मौत भी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी। तो हमने इसके लिए तैयारी कर दी है। से ठीक होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उन्होंने अपने हदीस को मफहूम है कि आपने सहाबा से उन्होंने फरमाया था कि मुझे लाहद में कब्र लाहद में जो है ना मुझे उसमें दफन करवाओ, लाहद में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहद का कब्र जो है ना पसंद किया। तो हम भी वो सुन्नत के हिसाब से हम भी लाहद अपने जो हमारे घर वाले हैं, अपने जो हमारे फैमिली वाले हैं उनसे हम कहें कि हम सुन्नत के हिसाब से हमें लाहद में हमें दफन किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुन्नत और जो सुन्नत से हट के होते हैं वो क्या चीज़ होती है। अब ये देखो ये कब्र जो है ना ये सुन्नत के हिसाब से बिल्कुल ठीक बना हुआ है, और ये जो है ना ये बगैर सुन्नत की, मतलब ये जो लोग हैं ना अल्लाह माफ़ करें ठीक है सही है, लेकिन ये जो है ना ये सुन्नत के हिसाब से जन्नतुल बकी में आप देखोगे ना हज पे जब जाते हो मक्का में तो उसमें सारे जो है ना इस तरह सुन्नत के हिसाब से सारे सहाबा के कब्रिस्तान में ऐसे कब्र देखोगे। तो ये जो कब्र है ना ये सुन्नत के लिहाज से सही है। Thank you.
ये जो है ना इंशाल्लाह फिर चलते चलते फिर मिलते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी ये मंजिल सही करे, ये मंजिल जो है अल्लाह हमारी बेहतर करे और हमारी ज़िंदगी में बरकत डाले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जितना भी हो सके नेकी का काम लें और हमें सब्र करने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये मंजिल बेहतर से बेहतर बना दे इंशाल्लाह। चलते चलते फिर मिलते हैं। ओके जी मेरे।